कौन हुआ एवरेज चैप्टर का, तो एवरेज कहते हैं किसको, औसत, अभी तक जानता है औसत क्या? जैसे एक लड़का का, जैसे ए का 12 साल है और बी का 13 साल, तो दोनों का आई जोड़ के इसमें इसका आधा आधा हो जाएगा एवरेज, मतलब दोनों का तीन आदमी रहे तो इसमें तीनों का जोड़ देंगे। ठीक है, जान रहा है, लेकिन एवरेज चीज क्या है इसको समझ। जैसे मान लो एक स्कूल में 5 बच्चा, मान करके चलो ए बी सी डी ई, किसी स्कूल में 5 बच्चा है, पहले का उम्र है 6 वर्ष में है, दूसरा का है 7 वर्ष, इसका फिर 5 वर्ष, 8 वर्ष, इसका मान लो 6 वर्ष, 5 बच्चे हैं और 5ों का उम्र दिया हुआ है वर्ष में, तो दिए गए उम्र को हम लोग डाटा कहेंगे। एवरेज के बारे में फिलहाल छोड़ो, जो बतला रहे हैं उसको समझो, जो बतला रहे हैं उसी से एवरेज का जन्म हो जाएगा। ठीक है, एक स्कूल में 5 विद्यार्थी है, पहला 6 साल का, दूसरा 7 साल, तीसरा 5 साल, चौथा 8 साल, पांचवा 6 साल का है, कहेगा इन बच्चों का इन बच्चों की औसत आयु क्या है, तो बच्चे की आयु का डाटा दिया हुआ है, इसको कहेंगे डाटा। डाटा का हिंदी होता है आंकड़ा। आंकड़ा किसको कहेंगे, तो कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए जो कुछ हमें दिया रहता है उसको डाटा कहेंगे। अब 5 बच्चों के उम्र का डाटा आंकड़ा दिया हुआ है और 5ों बच्चों का ये हमें औसत उम्र निकालना है, तो दिए गए आंकड़े को जोड़ कर, ध्यान से सुनो, जितना आंकड़ा है सबको जोड़ देंगे और उसमें आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे, तो प्राप्त रिजल्ट एवरेज कहलाएगा। जैसे इसमें आंकड़ा 5 बच्चों के आयु का आंकड़ा डाटा दिया हुआ है, अब 5ों बच्चे का हमको औसत उम्र निकालना है, तो औसत की परिभाषा होती है दिए गए कुल आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त वैल्यू या मान एवरेज कहलाता है। यहाँ बच्चों की आयु का आंकड़ा है, पहले का 6 वर्ष, दूसरे का 7 वर्ष, इसी तरह अंतिम का 6 वर्ष, तो ये आयु को कहेंगे क्या, डाटा। समझ गया, आयु को क्या कहेंगे, डाटा। किस चीज का डाटा है, तो 5 विद्यार्थी है ना, 5 विद्यार्थी के आयु का डाटा दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो 5 विद्यार्थी के आयु का डाटा दिया हुआ है, हमें 5ों का एवरेज उम्र, औसत उम्र निकालना है, तो टोटल डाटा को जोड़ देंगे। अब मान लो इस डाटा को हम लोग X1, इसको X3, X4, X5 मानेंगे, समझा। X1 पहले विद्यार्थी की उम्र का डाटा, X2 दूसरे विद्यार्थी का, X3 तीसरे विद्यार्थी का, X4 का मतलब चौथे विद्यार्थी का डाटा है, उम्र का डाटा, X5 का मतलब 5वें विद्यार्थी का। दिए गए डाटा को जोड़कर डाटा की संख्या से भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट एवरेज कहलाता है। यहाँ डाटा यानी आंकड़ा की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5ों को जोड़ देंगे, यानी X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5, 5 डाटा है ना, 5ों डाटा को जोड़ दो और डाटा की संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे तो जोड़ेंगे, तो 6+7+5+8+6 यानी 6+7+13+5+18+8+26+6+32+5 6.4 यानी हाँ यानी औसत आयु हो गया, बच्चों का औसत आयु बराबर 6.4 वर्ष। आंसर समझ रहा है। मान लो किसी परिवार में 2 भाई है, दोनों भाई अलग अलग कमाई करता है, ए और बी किसी परिवार में 2 भाई है,
ए कमा रहा है एक महीना में 10,000, बी कमा रहा है 6,000। अगर पूछा जाएगा इस परिवार में दो भाई है, दोनों भाई की औसत आमदनी क्या है, तो औसत आमदनी यानी औसत एवरेज इनकम, एवरेज का क्या अर्थ होता है, दिए गए डाटा को जोड़कर डाटा की संख्या से भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट एवरेज कहलाता है। तो हमें भाई की आमदनी का डाटा 10,000 और 6,000 दिया हुआ है, तो दिए गए डाटा को जोड़कर तो दिया गया डाटा है 10,000 जोड़ 6,000, तो दिए गए डाटा को जोड़कर डाटा की संख्या से भाग देकर जो रिजल्ट आता है उसे एवरेज कहते हैं। तो डाटा दिए गए डाटा को जोड़े, अब किससे भाग देंगे, डाटा की संख्या से, कितना है, एक तो है एक 10,000 है, दूसरा 6,000, यानी पहला डाटा दूसरा डाटा, डाटा की संख्या दो, तो दो से भाग देंगे तो 10, 6, 16,000 बटा दो यानी 8,000 रुपया, कहेंगे 8,000 रुपया दोनों भाई की औसत आमदनी है, समझ गया। मान लो किसी परिवार में 6 मेंबर है, 4 मेंबर है, पति पत्नी और उसके दो बच्चे, ठीक है, एक्स से हो गया हस्बैंड, ये खा रहा है 8 रोटी रात, मतलब एक टाइम में रात में, डब्लू से हो गया वाइफ, ये खा रही है 6 रोटी, ठीक है, एस से हो गया सन, एक बेटा, ये खा रहा है 4 रोटी, और डी से हो गया डॉक्टर, ये खा रही है 3 रोटी। तो अगर कोई पूछे 4 आदमी में एवरेज कितना, प्रत्येक आदमी का खाने का एवरेज क्या है, यानी औसत कितना रोटी खाता है खाने का, ये जो चारों के लिए जो बन रही है रोटी, तो चारों का एवरेज भोजन क्या है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से कितना रोटी खाता है, यानी औसत कितना खा रहा है, प्रति व्यक्ति औसत रोटी कितनी बनती है, तो यहाँ पर दिए गए डाटा को जोड़ना है। पहले डाटा क्या है, हस्बैंड खा रहा है 8 रोटी, वाइफ खा रही है 6, बेटा खा रहा है 4, बेटी खा रही है 3, तो रोटी का डाटा कितना दिया हुआ है, हस्बैंड वाइफ सन एंड डॉटर के लिए 4 डाटा दिया हुआ है। अब चारों के द्वारा खाए गए रोटी को जोड़ दो, यानी कुल डाटा को जोड़ दो, तो एवरेज निकालेंगे, सभी डाटा को जोड़ना है, 8 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 3, 22 डाटा की संख्या, 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग देंगे, 8, 6, 14, 18, 3, 21/4, 4, 5, 20, 4, 2, 8, 5.25 रोटी एवरेज रोटी बनता है इस परिवार में, समझ गया। तो एवरेज का अर्थ समझ गया, दिए गए डाटा को जोड़कर डाटा की संख्या से भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट को हम एवरेज कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण और लो, स्टूडेंट वाला उदाहरण, 5 विषय की परीक्षा बिहार बोर्ड में होती है ना, हाँ, तो मान लो एम से मैथ, एस से साइंस, 3 विषय और है, एस है सोशल साइंस, एस से हो गया सोशल साइंस, एस चलो इसको एस सी मान लिए, या चलो एस सोशल साइंस और इंग्लिश, एक तो मान लो हिंदी, 5 विषय की परीक्षा होती है, एक लड़का ने इसमें नंबर उठाया मान लो 90, 80, 70, 75, ये 5 विषय में नंबर उठाया एक लड़का, कहेंगे उसका औसत मार्क क्या है। जब ये औसत या एवरेज की चर्चा हो तो देखो डाटा क्या दिया हुआ है, तो डाटा दिया है मैथ में 90 नंबर लाया, साइंस में 80 नंबर, सोशल साइंस में 70, इंग्लिश में 70, हिंदी में 75, तो इस तरह हमें कितना डाटा दिया हुआ है, मैथ का डाटा, साइंस का, एसएस का, इंग्लिश का, हिंदी का, यानी पहला डाटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो औसत का अर्थ दिए गए डाटा को जोड़कर
डाटा की संख्या से भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट को एवरेज कहते हैं। तो दिए गए डाटा को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी का एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा? 90 प्लस एवरेज 90 प्लस 80। 90 जोड़ 80 जोड़ 70 जोड़ 70 जोड़ 75। दिए गए आंकड़ों को जोड़कर आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे डाटा की संख्या से। 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 से भाग दे कितना हुआ? 0, 0, 0, 0, 5 7 + 21 = 29 + 38 375/5 = 77। यानी विद्यार्थी का एवरेज मार्क्स 77% है। 100 में सब नंबर 100 में लाया गया है। कहेंगे विद्यार्थी को औसत अंक 77% आए। 10 व्यक्ति की आमदनी औसत आमदनी निकालना है, इसका मतलब औसत आमदनी डाटा हो गया। तो दिए गए डाटा यानी 10 व्यक्ति के औसत आमदनी को जोड़ दो और आदमी की संख्या 10, 10 से भाग दे दो तो प्राप्त रिजल्ट हो गया औसत। समझा? तो परिभाषा लिखे आप, समझ गया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, होते हैं ना। एस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को वायुमंडल का तापक्रम मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है गर्मी के टाइम में, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देख के जाओ, मंडे का मान लो 39 डिग्री है, ट्यूसडे को मान लो फिर 40 डिग्री है, वेडनेसडे को मान लेते हैं 38 डिग्री है, थर्सडे को 35 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे को चलो 39 डिग्री सेल्सियस, सैटरडे को 40 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाए सप्ताह का, सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह का औसत तापमान बतलावे, एवरेज टेम्परेचर, यानी जो किसी भी दिन के लिए सत्य होगा। कहने का मतलब 7 दिन के सप्ताह, 7 दिन में अलग अलग टेम्परेचर है। अब बोला जाएगा इस सप्ताह का औसत तापमान बतलावे। जब ये औसत का चर्चा हो तो यहाँ पर डाटा कितने में, ये डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है ना प्रत्येक दिन का तापमान। तो दिए गए डाटा को जोड़कर डाटा की संख्या से भाग दे दो तो प्राप्त रिजल्ट एवरेज कहलाएगा। सब प्रत्येक दिन का, सप्ताह के 7 दिन का डाटा दिया हुआ है तो दिए गए डाटा को जोड़कर, तो जोड़ दो 9, 5, 14, 8, 22 और 9, 31 का 1, 4, 3, 7, 9, 16, 7, 23, 4, 27 271 डिग्री सेल्सियस हुआ टोटल डाटा को जोड़ने पर। अब डाटा की संख्या से भाग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 + 21 = 6, 8 = 56, 5 = 38.7 डिग्री सेल्सियस सप्ताह का औसत तापमान कहा जाएगा। समझ गया औसत का? समझ। चलो लिखो परिभाषा, वही जो परिभाषा आप बोले हैं। दिए गए आंकड़ों को जोड़कर आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट एवरेज या औसत कहलाता है। एक विद्यालय के 5 छात्रों का उम्र वर्ष में निम्न है, यानी ये पहला विद्यार्थी का उम्र है 8 वर्ष, दूसरे का 7 वर्ष, तीसरे का 6 वर्ष, चौथे का 8 वर्ष, पांचवें का 9 वर्ष। तो उन छात्रों के उम्र का औसत, ये जो 5 छात्र है उसके उम्र का औसत कितना होगा? तो दिए गए आंकड़ों का योग, यानी जो आंकड़ा वर्ष में है इसको जोड़ेंगे तो 8 वर्ष जोर 7 वर्ष जोर 6 वर्ष जोर 8 वर्ष जोर 9 वर्ष और आंकड़ा की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दो
आठ सात पंद्रह छः इक्कीस आठ उनतीस आना अड़तीस बटा पाँच वर्ष, ये वर्ष में है तो इसका औसत हो गया 7.6 वर्ष, समझा। अब हम लोग कहेंगे ये पांच लड़के जो पढ़ते हैं उसका एवरेज उम्र 7.6 वर्ष, समझ गया। जोर के फिर पांच आदमी का निकाल, समझ। तो एवरेज क्या है समझ गया ना, इसको तू उतार लो और तुरंत जो है इसमें दो पार्ट और हम पढ़ाते हैं, छोटा छोटा पार्ट रहेगा उतार।